नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन विभव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको साइमेट ईआर 50 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो साइमेट ईआर 50 mg टैबलेट मार्केट में आती है, सिस्टोपिक कंपनी के आती है। 10 गोली का टैबलेट का पैक रहता है। दोस्तों जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है उसकी कीमत रहती है 33 रुपीज़ यानी 33 रुपये। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट की दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो दोस्तों ये जो साइमेट ईआर 50 mg टैबलेट मार्केट में आती है, ये चेस्ट पेन के लिए चलती है यानी अनजाने की तकलीफ है उसके लिए चलती है। दोस्तों हार्ट फेल्यूर की तकलीफ है कुछ उसके लिए भी चलती है, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए चलती है। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ गया है, आपको उच्च रक्तदाब की शिकायत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ गया तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल करना बेहद ज़रूरी होता है, और ये गोली वही काम करती है। दोस्तों आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा है उसको नॉर्मल करती है, उसको कंट्रोल में लाती है। दोस्तों इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर मेटोप्रोलॉल सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों ये दवा की वजह से आपको हेडेक की तकलीफ हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, स्टमच पेन हो सकता है, नौसिया हो सकता है। दोस्तों और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नज़र आती है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों इसके डोसेस के बारे में देखें, कैसा लेना है, कैसा यूज़ करना है। दोस्तों इसको जनरली 1 टाइम इन अ डे दिन में से एक बार लेना है। दोस्तों डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।